अलीगढ़ मुख्यालय थाना जवा क्षेत्र के अंतर्गत गांव चंडोखा में राजेंद्र बघेल का काफी पुराना मकान है, जिसकी नींव उनके डाडा ने रखी थी, जिसमें गांव के कुछ दलाल मुकेश और महेंद्र सिंह कस्थली उस पुराने घर को अपनी दबंगई से तुड़वाना चाहते हैं। पीड़ित परिवार इन लोगों से काफी भयभीत है, पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पीड़ित परिवार गांव पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित महिला सुनीता ने बताया कि मेरे गांव के कुछ दबंग लोग मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं और मेरे एसआई गांव चंडोखा के मुकेश ने गाली गलौज और छेड़छाड़ करने की कोशिश की और गांव छोड़ने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि मुझे न्याय मिले। एवीपी उत्तर प्रदेश प्रभारी योगेश उपाध्याय को बताया कि प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और गांव प्रधान एसआई शिकायत की तो वह भी पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या मामला है इसमें? 60 साल पुरानी से हमारी आबादी, हम इसमें रह रहे हैं और इन लोगों ने 8 महीना पहले से पंचायत घर में दर्ज किया है जी। और हम लोग क्या रहेंगे अब? कभी हमें जमीन नापते हैं दादा लाई में से, कभी हमारे ठोर को देते हैं। हम बहुत लोग परेशान हैं, हम इसमें बाउंड्री नहीं करा पाए। इन लोगों ने पंचायत घर में दर्ज किया है। किसने किया दर्ज? मुकेश चुन्ना धोनी और त्रिवेणी। ये क्या कहते हैं? ये इन लोगों ने सब ने शामिल करके नहीं इनको हमारे पंचायत घर में दर्ज किया है। अच्छा, तो क्या क्या बोलते हैं ये लोग? ये लोग कहते हैं इसमें कब्जा नहीं होने देंगे हम। तो ये जो खूटे उखाड़े जा रहे हैं ये किसके आदेश पे? जी मतलब ये लोग गए इनके आदेश से खूटा उखाड़े गए। किसके आदेश से? किस अधिकारी के आदेश से? और ये तो मुझे मालूम नहीं। यहाँ लेखपाल वगैरह आए थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया। लेखपाल नहीं आया? तो पुलिस को कैसे किसने ये गए?